हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ की ज्योग्राफी। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ रिसोर्सेज। सो इस चैनल के ऊपर आपको 6 से लेकर 12 तक के ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइंस 7 से लेकर 10 तक की होगी। स्पोकन कोर्स ये भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर की भी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो धरती के ऊपर जो भी यहाँ पे उपलब्ध है और जो इंसानों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर है। सो इंसानों के जीवित रहने के लिए जो भी हमें चाहिए और जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। सो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे रिसोर्सेज के बारे में, वो बिल्कुल अनजान थे इसके बारे में। सो उनको नहीं पता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाएगा और कैसे इनके एडवांटेजेस जो भी हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सो वो बिल्कुल भी अनजान थे इस बातों से। सो ह्यूमंस ने यहाँ पे जो नई नई टेक्निक्स हैं उनका यहाँ पे डेवलप किया, उसको विकास किया, और फिर इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया यूज़फुल आर्टिकल्स में, जो उनकी ज़रूरतों को अब पूरा कर रहे हैं। क्लियर है। सो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सो आगे हम देखेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स। सो रिसोर्सेज मेनली तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। सो तीनों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं और इनमें बिना कोई बदलाव किए हम इसका यूज़ कर सकें, उसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे हवा होगी, मिट्टी, जो खनिज मिनरल्स हो जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन जो हो जाएगी, ठीक है, ये सभी क्या आ जाएंगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे। इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मिनरल्स को छोड़ के सो देख लेते हैं कैसे। सो बहुत सारे रिसोर्सेज है, ये क्या है, नेचर के द्वारा एक फ्री गिफ्ट जो हमें दिया गया है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, फ्रूट्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले उसको यूज़ करने के लिए अदर चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, कैसे, जैसे अभी मिनरल्स हैं, मिनरल्स यहाँ पे पहले जो इनकी नेचुरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ओर होती है, ठीक है, कच्ची धातु होती है। पहले हमें इसको अलग करके फिर जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आयरन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, ये सभी क्या है, यहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम है, इसको रिफाइनिंग के बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। सो डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एक्चुअल रिसोर्सेज। सो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों ही हमें पता है इनके बारे में, क्लियर है, और यहाँ पे हम इनका यूज़ भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सभी चीज़ें क्या आ जाएंगी, एक्चुअल रिसोर्सेज में, जिनके बारे में हमें पता है और इनका हम यूज़ भी कर रहे हैं आज के समय में, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम यहाँ पे देखो, कोयला आप सभी को पता ही है इसके बारे में, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। सो ग्रीन कलर का या येलो कलर का इस शेप में मेनली देखा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक और पिक ली हुई है, यहाँ पे देखो कि जो 1 टन जो कोयला है वो किसके इक्वल है, 7 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरेनियम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कोयले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। 1 टन जो कोयला होता है इज इक्वल टू 7 ग्राम ऑफ यूरेनियम, मतलब कि यहाँ पे जो 1000 kg कोयला होगा वो 7 ग्राम यूरेनियम के इक्वल होगा।
सो नेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता, ना ही इनकी क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बारे में चलो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी के बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, और ना ही हम इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो यूज़ है वो फ्यूचर के लिए रखा गया है कि आने वाले समय में इसका यूज़ किया जाएगा। अभी आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है आज के समय में वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। क्लियर है? अब जैसे यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है, वो क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज की एग्जांपल है। ठीक है, इसको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। जो वेन स्पीड्स होती हैं, ठीक है, इनका भी जो ये भी क्या होती है, पोटेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, इनका बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इनका भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, विंड्स एनर्जी आपको पता ही होगा, जैसे हवाएं चलती हैं तेज, सो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो पंखे टाइप होते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्या करेंगे, घूमेंगे। सो घूमेंगे तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजन। सो इनके ओरिजन के बेसिस के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज, सो ये भी देख लेते हैं। सो दो तरह के होते हैं यहाँ पे, अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से हमें प्राप्त होते हैं रिसोर्सेज, उनको बोला जाता है अबायोटिक। अब इसमें एयर, वाटर, लैंड, सॉयल, रॉक, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? ये सभी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बायोटिक में ऑब्वियस क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे सीरियल क्रॉप्स आ जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, ये भी आपकी बुक में एक टाइप दी गई है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स क्या होते हैं। सो स्टॉक यहाँ पे मिनरल जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध होते हैं, जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बट यहाँ पे आज के समय में हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका यूज़ कर सकें, सो इसको बोला जाता है स्टॉक। क्लियर है? सो वो जो चीज़ें जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध हैं, ठीक है, जो ज़रूरतें पूरा कर सकती हैं इंसानों की, बट हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम इनका यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर, वाटर क्या एक कंपाउंड है, ठीक है, टू यहाँ पे जो गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे वाटर H2O, इनसे मिलके दो गैसें से मिलके बना हुआ है। अगर तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर लें, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो जाएगा। सो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर तो टेक्नोलॉजी हमारे पास इस तरह की होती तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ कर लिया जाता, लेकिन आज के समय में हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनका हम इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है? सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व्स। सो रिजर्व से यहाँ पे एक स्टॉक का ही एक सब पार्ट होता है। इसको लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अभी इनको हमने एज ही रखा हुआ है कि यहाँ पे जो फ्यूचर की जो हमारी रिक्वायरमेंट होंगी उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे रिवर वाटर है, ठीक है, जो नदियों का पानी है, उससे बिजली जो बहुत ज़्यादा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। इसको अभी एज इट इज़ रखा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर डैम्स में हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ये सभी क्या है, यहाँ पे रिजर्व्स हैं, इनका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए रखा गया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। अब यहाँ पे ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी जो कैपेसिटी को रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है या रीजनरेट किया जा सकता है, रीन्यू किया जा सकता है नेचुरल प्रोसेस के दौरान बहुत ही कम समय में। ठीक है, यानी कि रीन्यू मतलब कि बार बार हम इसको फिर से रीन्यू कर सकते हैं, फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एयर, एयर क्या कभी ख़त्म होने वाली है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। पानी कभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है, जैसे अभी यहाँ पे लैंड अर्थ की बात करें, अर्थ में यहाँ पे जो 71% हिस्सा है ये क्या है, पानी है, और यहाँ पे जो 29% हिस्सा है ये क्या है, ज़मीन, यहाँ पे आपको लैंड देखने को मिलती है। अभी पानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, वो बात अलग है कि इसमें से जो पीने योग्य फ्रेशेबल वाटर है वो कितना, ओनली 3% है।
ठीक है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कामों में, यहाँ पे जो पानी है, ठीक है। सो वाटर भी यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। और सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सूरज की किरणों से जो बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया सोलर एनर्जी, सो सूरज की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी विंड एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे साथ में डायग्राम थी, पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, आइसलैंड और नॉर्वे। यहाँ पे ये जो दो कंट्रीज हैं ये 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा जो पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। इस तरह यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस के दौरान ये जो दो कंट्रीज हैं पूरे विश्व में ये बिजली ऐसे जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते या जो ख़त्म होने की कगार के ऊपर हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट में, ठीक है, ख़त्म हो सकते हैं आने वाले समय में, इनको अभी हम रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते, फिर से हम इनका यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेस के दौरान। यहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं एग्जॉस्टेड हैं, ख़त्म होने वाले हैं। इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सालों का प्रोसेस होता है तब जाके मिलते हैं। अब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स में जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे कोयले की बात करें, कोयला यहाँ पे जो धरती के नीचे, ठीक है, जो सरफेस है धरती के नीचे, यहाँ पे जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु, जो उनके रिमेन्स हैं, जो उनके अवशेष हैं, वो यहाँ पे धरती के नीचे दब गए थे, तब जाके यहाँ पे ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से हजारों लाखों साल बाद हमें यहाँ पे कोयला मिला। सिमिलरली पेट्रोलियम यहाँ से समुद्रों में मिलता है, ठीक है, सेम प्रोसेस के दौरान। नेचुरल गैस, ठीक है, इन आई होप इन सभी के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो आने वाली क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग अलग जगहों के ऊपर देखने को मिलेंगे। रिसोर्सेज यहाँ पे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि जैसे लेट्स सपोज धरती है, ठीक है, यहाँ पे नदरन हिस्सा है, यहाँ पे सदरन, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे गोल्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग इनकी वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पे दो तरह के होते हैं ये। फर्स्ट वन इज़ यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर, विंड, सनलाइट, यहाँ पे हर जगह पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो किसी सर्टेन या पर्टिकुलर जगहों के ऊपर पाए जाते हैं। अब जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोयला, आयरन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब गोल्ड ऐसे तो है नहीं यहाँ पे पूरे धरती के ऊपर सभी जगह गोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगहें होती हैं, जैसे यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलेगा या नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगह होती है इनकी, ठीक है। जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं जिनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोला जाता है। आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट में उनकी मदद से। अब जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं, इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। अभी जैसे मशीन है, मशीन, अब जैसे यहाँ पे आयरन, ठीक है, आयरन यहाँ पे कहाँ से मिलती है, आयरन और जो कच्ची धातु होती है, ठीक है, यहाँ पे ये कुदरत से मिलते हैं, इनका यहाँ पे आयरन बनाते हैं। आयरन से यहाँ पे मशीन्स का निर्माण किया जाता है, आगे जैसे फैक्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मशीन, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग मशीनें इनके द्वारा बनाई जाती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। टेक्नोलॉजी जो है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये भी ह्यूमंस के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। थर्ड टाइप है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, लास्ट वन। ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे नेचर का यूज़ करके
सो यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज वो बनाते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का निर्माण करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के हैं एक स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं ये। सो एजुकेशन और हेल्थ ये मदद करते हैं लोगों की रिसोर्सेज को निर्माण करने के लिए। सो यहाँ पे वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं रिसोर्सेज को, उनका यूज़ करते हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप, उनका विकास करते हैं और यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट में बाद में, जिनका वो यूज़ कर सके। क्लियर है? अभी जैसे यहाँ पे पहले उन्होंने आयरन ओर की खोज की, आयरन ओर की खोज की, उसको कन्वर्ट किया, आयरन में कन्वर्ट किया, आयरन में और भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके वो नई चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, या आयरन से वो डायरेक्ट जो मशीन्स हैं वो निर्माण कर रहे हैं, अभी उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ पर ले जाया जाता है, ठीक है। सो उनका यूज़ आके बहुत जगह अलग अलग फील्ड में किया जा रहा है। सो अगर कोई भी कंट्री प्रोग्रेस करना चाहती है, अपने आप को ज़्यादा डेवलप्ड करना चाहती है, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा, तब जाके वो कंट्री सक्सेसफुल बन सकती है या डेवलप्ड कंट्री बन सकती है, लाइक यूएसए। सो नेक्स्ट वन इज़ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है। जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज का हमें केयरफुली और यहाँ यूज़ करना चाहिए और उनको यहाँ पे समय देना चाहिए कि वो फिर से रिन्यू हो जाएं, फिर से उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनको बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। सो यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, जैसे गुड्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। सो यहाँ पे अगर तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सुरक्षित करना है, तो हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा एक मंत्र, ठीक है। क्या मंत्र है वो? रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़। मतलब कि जो भी यहाँ पे, अब जैसे प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं, अभी प्लास्टिक को हमें फेंकना नहीं चाहिए। अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही कूड़े करकट में या लेट्स सपोज की नदियों में ऐसे गेर देते हैं। सो उनका बिल्कुल भी हमें गेरना नहीं चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। या तो आप जो कबाड़ी वाली दुकान है उनको बेच दो, वो क्या करेंगे, आगे जैसे कंपनी में जाएंगे, ठीक है, फिर से उसका यहाँ पे रीयूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसको रिसाइकल करके। सो अलग अलग यहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। सो हमें ये जो मंत्र है फॉलो करना चाहिए, R3, ठीक है, याद रखना। सो लास्ट वन इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमें रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना कि आने वाले जो फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हम जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बचा सके उनके लिए भी। क्लियर है? अभी इट मीन्स एट प्रेजेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें उसको देख के यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके। अभी जैसे पानी है, अभी लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पूरी धरती के ऊपर 71% पानी है, लेकिन यहाँ पे इतना सारा पानी है, सो इसमें से सो फ्रेश वाटर है वो क्या है, यहाँ पे 3% है, ठीक है। बाकी तो सभी यहाँ पे सेलाइन वाटर है, नमक की फॉर्म है, वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। सो इसलिए पानी का यूज़ देख के करना चाहिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे अदर जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनका भी हमें यूज़ करना चाहिए। सो इनके बारे में भी हम ज्योग्राफी में डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। सो यहाँ पे अलग अलग वेज हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ठीक है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे फ़ैन को स्विच ऑफ करना, लाइट को स्विच ऑफ करना, इससे क्या होगा, जो बिजली बचेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना, सो यहाँ पे इन्वायरमेंट सुरक्षित होगा। सो यहाँ पे जो पानी है इसको वेस्ट ना करना, ठीक है, नहाते समय या वॉशिंग के समय, ठीक है, देख के पानी यूज़ करना, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। सो यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो आप लोगों ने यहाँ पे बताने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यहाँ पे पानी को बचाने की बात हो रही है, अभी यहाँ पे ये जो पानी है हम पेड़ पौधों को दे सकते हैं, ठीक है।
अभी जैसे हम लेट्स सपोज कि जो फिल्टर वाला पानी होता है, ठीक है, फिल्टर वाला पानी होता है, अगर तो उसमें लेट्स सपोज कि 3 लीटर पानी में से जो 1 लीटर यहाँ पे पानी होता है वो यहाँ पे फिल्टर होता है, लेकिन जो 2 लीटर पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है। अभी इस पानी को भी हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, या तो गार्डनिंग करनी चाहिए, इसे पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, ठीक है, या घर में पोचा जो लगाना होता है, ठीक है, इससे यहाँ पे बहुत सारे जो यूज़ हैं इसके वो कर लेने चाहिए, या कपड़े धोने, तो ऐसे अलग अलग इस्तेमाल हैं। सो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है जो भी आपके माइंड में एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी आ रही है, सो और स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके, वो भी सोच पाएँ कि क्या क्या नई टेक्निक्स हैं कि कैसे हम सस्टेन कर के रख सकते हैं रिसोर्सेज को। क्लियर है? सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा फर्स्ट वन। सो ऐसे यहाँ पे कंप्लीट कोचिंग आपको दी जाएगी, कोचिंग की आज से ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। सो वीडियो लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।